हरी बोल, हरी हरी बोल, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडू कन्हैया केशव? मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, 3 से 4 दिनों में नवरात्रि शुरू हो जाएगी और हम सभी लोग नवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे लिए हर रूप में, हर माँ का हर रूप मेरे लिए, मेरी राधा रानी, मेरी लड्डू लाडो और मेरी राधा रानी मेरे बिहारी जी के लिए ही है। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपने लड्डू बाबू लाडो को नवरात्रि के 9 दिन, 9 एक एक दिन हम कौन से अलग अलग रंगों को पहनाएंगे, कौन से दिन, पहले दिन कौन सा पहनाएंगे, दूसरे दिन और अष्टमी नवमी के दिन कौन सा पोशाक पहनाएंगे, जो कि रंगों का हमें बहुत ख्याल रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरी बोल, हरी हरी बोल, राधे राधे जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्रथम दिन जो माता की स्वरूप की पूजन होती है वो होती है शैलपुत्री माता की, और जो शैलपुत्री माता को जो रंग पसंद है, जो उनको समर्पित है, वो है पीला। तो लड्डू बाबू लाडो उस दिन पहनेंगे अपने पसंदीदा कलर, मेरे प्रभु पहनेंगे सर्वप्रथम दिन नवरात्रि के पीले कलर की पोशाक। फिर हम आ जाते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन जो माँ की पूजन होती है वो होती है माँ ब्रह्मचारिणी की, और ब्रह्मचारिणी माता को जो रंग पसंद है, जो उनको समर्पित है, वो है हरा। तो दूसरे दिन जो मेरे लड्डू बाबू लाडो वस्त्र पहनेंगे वो पहनेंगे हरे कलर की। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजन होती है, और माँ चंद्रघंटा को जो रंग पसंद है वो है, जो उनको समर्पित है, वो है ग्रे या ब्राउन। तो उस दिन मेरे लड्डू बाबू लाडो पहनेंगे ग्रे कलर की पोशाक। फिर हम आ जाते हैं चौथे दिन। चौथे दिन की जो पूजन होती है वो होती है माँ कूष्मांडा की, और कूष्मांडा माता का जो कलर पसंद है, जो उनको समर्पित है, वो है नारंगी कलर। तो हम उस दिन अपने लड्डू बाबू को कोशिश करेंगे कि हम नारंगी कलर की पोशाक पहनाएं। फिर पांचवे दिन आ जाता है माँ स्कंद माता का, और स्कंद माता को जो रंग पसंद है वो है सफ़ेद। तो उस दिन हम अपने लड्डू बाबू लाडो को सफ़ेद रंग की पोशाक पहनाएंगे। और छठे दिन जो पूजन होगी वो होगी माँ कात्यानी माता की, और कात्यानी माता को जो रंग पसंद है वो है लाल। तो हम उस दिन अपने लड्डू बाबू लाडो को लाल कलर की पोशाक पहनाएंगे। फिर हम आ जाते हैं सप्तमी पे। सप्तमी सातवें दिन जो दिन है वो है माँ कालरात्रि का, और कालरात्रि माता को जो रंग पसंद है वो है नीला। तो उस दिन मेरे लड्डू बाबू लाडो पहनेंगे नीले कलर की पोशाक। फिर हम आ जाते हैं अष्टमी पे। अष्टमी के दिन आठवें दिन होता है माँ महागौरी का दिन। तो गौरी माता को जो रंग पसंद है वो है गुलाबी। तो अष्टमी वाले दिन मेरे लड्डू बाबू लाडो पहनेंगे गुलाबी रंग की पोशाक। और फिर हम आ जाते हैं नौवें दिन। नौवें दिन जो होता है वो होता है माँ सिद्धिदात्री माता का दिन, और सिद्धिदात्री माता का जो रंग पसंद है वो उनको स्काई ब्लू या जामुनी कलर आप कह सकते हैं। तो मेरे लड्डू बाबू लाडो पहनेंगे उस दिन इस कलर की पोशाक। तो ये है कुछ 9 दिन 9 हमें अलग अलग पोशाक किस कलर की अपने लड्डू बाबू लाडो को पहनानी है। वैसे देखिए मैं बताऊं, मेरे कहने से, मेरे रखने से कुछ नहीं होता है पोशाक। वो पोशाक अपने पसंद से ही श्रृंगार लाडो कराती हैं मेरी लड्डू बाबू। जो उनको पसंद होता है वैसे ही उनका श्रृंगार होता है, और मैं चाहे जितना पहले से निकाल के रख लूँ, लेकिन कई बार तो ये भी होता है कि मैं पूरी पोशाक उनकी, श्रृंगार का सामान निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन सब बदल देते हैं वो। तो कोशिश करेंगे हम कि हम उस दिन इन्हीं खास कलर रंगों का प्रयोग करें, और उस दिन उनको इसी तरीके के खास रंगों को पहनाएं। मेरे लिए हर दिन माँ का नवरात्रि ही है, मेरी राधा रानी मैया रानी के साथ। तो हर दिन ऐसी पूजन करिए, ऐसे भाव लाइए कि हर दिन आपके नवरात्रि ही रहें, और उसी सच्ची भाव से प्रभु माता रानी की सेवा पूजन करिए। तो ये रहा कुछ जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, शेरों वाली माता को भी लोग
बहुत से लोग 9 दिन पोशाक चेंज कर करके पहनाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पहनाते हैं, क्योंकि हम लोग पहले दिन ही उनकी स्थापना कर देते हैं। स्थापना कर देने के बाद, घट स्थापना के बाद में उनके हम पोशाक नहीं बदल सकते हैं। तो मेरे लिए हर स्वरूप में मेरी लाडो ही सब कुछ है। तो आप भी इसी भाव से, इसी तरीके से पूजन करिएगा। और आप लोगों की नवरात्रि की तैयारी कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर। तो ये था मेरा आज का कुछ वीडियो आपके लिए, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर दूसरे ब्लॉग में जल्दी ही मिलते हैं। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोलो, हरि हरि बोलो।